And another one is the point through which it is passing. So, slope के बारे में we have studied in the last lecture. आज हम different form of lines पढ़ेंगे, different type of equations of line पढ़ेंगे और इससे हम क्या समझ सकते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे. So, कोई भी line जो होती है उसकी general equation for any line is ax plus by plus c is equals to ax plus by plus c is equals to zero. उसके बाद क्या होता है कि इसी इक्वेशन को, इसी लाइन के इक्वेशन को हम डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कि लाइक अगर मेरे पास स्लोप गिवन है तो हाउ विल द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन चेंज, अगर मेरे पास इंटरसेप्ट गिवन है तो हाउ विल द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन चेंज, अगर मेरे पास कोई नॉर्मल फॉर्म है लाइन की तो वो कैसी होगी, तो हम उसको डिड्यूस करेंगे. ठीक है, तो ठीक है, स्टिल मेनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग. ओके, सो अगर मेरे पास पॉइंट और स्लोप गिवन है तो लाइन की इक्वेशन को कैसे निकालना है. इफ आई हैव अ पॉइंट एंड आई हैव अ स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, राइट, इफ द स्लोप इज नोन, अगर मुझे स्लोप पता है तो मुझे एम पता है, देन आई नो द एम वैल्यू ऑफ एम. इफ आई नो अ पॉइंट तो लेट्स से द पॉइंट इज एक्स वन एंड वाई वन. अब अगर मुझे एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन. अच्छा, अब ये y माइनस y1 और m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 क्यों करते हैं? मतलब बेसिकली y माइनस y1 और x माइनस x1 क्यों करते हैं? सर m तो ठीक है ना, तो बेसिकली उसे हम स्लोप की इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपोजिट और बेस मिल जाएगा ना, तो tan थीटा उससे आएगा, m is equals to से tan, हाँ m से tan थीटा आ गया, मतलब m is equals to tan थीटा. इससे क्या बोल रहे बेटा, y1 और x1 से क्या मिल जाएगा? सर y2 और y1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका हाइट आएगा, और x2 और x1 को करेंगे तो बेस आएगा, तो इक्वल टू tan थीटा होगा. हाँ ठीक है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ ये y - y1 और x - x1 क्यों करते हैं, वो तो आप m के लिए बता रहे हो. तो जो मेरी लाइन की इक्वेशन होती है, बेसिक इक्वेशन होती है y is equals to mx plus c, या इस टाइप से जो इक्वेशन होती है ax plus by plus c is equals to zero, those points will satisfy the x1 comma y1 should satisfy the equation of that line. मतलब x1 and y1 should be satisfying this equation, basic equation. So वहां से सब्सटीट्यूट करने के बाद से आई एम गेटिंग दिस इक्वेशन, और इसको अदर फॉर्म से भी आप समझ सकते हो कि लाइक अगर मेरे पास स्लोप है तो स्लोप विल बी जैसे इफ आई हैव अ लाइन, ठीक है, एंड कोई रैंडम पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई, एंड इफ आई टेक अनदर पॉइंट, ठीक है, जहाँ से मुझे जो मुझे गिवन है लेट्स से एक्स वन कॉमा वाई वन, तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालने की कोशिश करूँगा व्हाट दे वर सेइंग वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ से यू विल बी गेटिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये वाला लाइन, ये वाला इक्वेशन. सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन, दिस इज द बेसिक इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. तो अगर मुझे स्लोप गिवन है और कोई पॉइंट गिवन है तो लेट्स टेक जनरल पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई
एंड वंस यू टेक द जनरल पॉइंट पी, तो अगर आप यहाँ से आप स्लोप निकालोगे तो यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग. यही कह रहे थे ना बेटा आप इनिशियली? यस सर. ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्म कि अगर मुझे एक स्लोप पता है, पॉइंट पता है, मैंने कुछ भी और नहीं पढ़ा है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया. सो वेन एवर यू नो स्लोप एंड अ पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग, तो आप इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हो एंड अपॉन एडजस्टमेंट यू विल बी गेटिंग द सेम लाइन. फिर आता है टू पॉइंट फॉर्म. नेक्स्ट इज टू पॉइंट फॉर्म. तो अगर टू पॉइंट फॉर्म है तो मैंने बोला था कि अगर द बेसिक पर्पस इज टू फाइंड द स्लोप एंड अ पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग. अगर आपको दो पॉइंट्स नोन है, लेट्स से पी एक्स वन कॉमा वाई वन एंड क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू, तो आप स्लोप निकाल सकते हो y2 minus y1 upon x2 minus x1 करके. And once you know the slope, फिर आप दोनों में से कोई भी पॉइंट ले लो, you know the equation. तो मैं जनरल फॉर्म में ही लिख देता हूँ. जनरल फॉर्म क्या हो जाती है, y minus y1, मतलब जो लास्ट फॉर्म हमने पढ़ी हुई है, is equals to x minus x1. Keep the value of m here. दो पॉइंट्स आपको नोन है, दोनों में से कोई भी पॉइंट ले लोगे, you will be getting the same line. But since it is comparable to the last equation, so y minus y1 is equals to mx minus x1 is the general term that we'll be using. Y minus y2 is equals to mx minus x2 bhi le sakte ho. You'll be getting the same result. Sir, humare paas do points hai, to hum general equation mein dalke equations in two variables ban jayenge na, agar dono ko put in kar diya x plus b y mein. Agar jaise maan lo mere paas 1 comma 3 hai aur 2 comma 4 hai. हाँ, तो आप क्या कह रहे हो कि जनरल इक्वेशन में डाल करके दो इक्वेशन बना करके फिर उसको सिंपलीफाई कर ले? सर, क्योंकि c तो कांस्टेंट रह के सबट्रैक्ट ही हो जाएगा ना अगर दोनों को सबट्रैक्ट. हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, मतलब बेसिकली वहीं से ये लाइन आती है. तो अगर यहाँ से नॉर्मली सॉल्व करना है तो आप m कैसे निकालोगे, 4 माइनस 3 1 और 2 माइनस 1 1, तो स्लोप विल बी 1. उसके बाद से फिर आप इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो तो यू विल बी गेटिंग, कोई भी दो पॉइंट ले लो, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और y माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 2. बोथ द लाइंस विल फेच यू द सेम रिजल्ट. आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके देख भी सकते हो. यहाँ से विल बी गेटिंग y माइनस x minus 2 is equals to 0. यहाँ से भी you'll be getting y minus x minus 2 is equals to 0. ठीक है, तो constant की value भी मिल जाएगी और आपको line की equation भी मिल जाएगी. तो I hope ये clear होगा, ये पता भी होगा काफी सारे लोगों को, two point form. Yes sir. Next is the slope intercept form. कि अगर मुझे slope और intercept पता है तो this is very simple. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अगर इंटरसेप्ट पता है मुझे तो मुझे सी पता है. बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि सी क्या होता है. सी इज द वाई इंटरसेप्ट, जहां पे ये वाई एक्सिस को कट करता है. वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेप्ट करता है, वहां पे हम एक्स को जीरो ले लेंगे. एक्स को जीरो ले लेंगे तो बेसिकली जो मेरी जनरल इक्वेशन है में डाल देंगे. हां, वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन. So you know the slope intercept form है, तो you know slope m आपको given होगा और c given होगा. c given होने का ये मतलब है कि यहाँ पे आप y की जगह y1 की जगह c substitute कर दोगे और x1 की जगह zero substitute कर दोगे, because zero comma c से pass हो रहा है, तो you'll be getting y is equals to mx plus c. तो ये जो basic वाली form होती है ना, जहाँ पे आप m और intercept डाल देते हो, इसी को slope intercept form बोलते हैं. This is the slope intercept form. Next, अगर मान लो मुझे x intercept पता है तो क्या changes हो जाएंगे? Sir, y1 को zero डाल देंगे. Y को zero डाल देंगे, y1. Right. अगर ये तो y intercept हो गया. If I know x intercept, तो let's take this point as d comma zero. तो वही जनरल फॉर्म लिखोगे, मतलब बेसिकली करना यही है, बार बार यही फॉर्म में लाना है.
तो y माइनस जीरो इज इक्वल्स टू m x माइनस d, x माइनस d. तो y इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस d. ये मेरा जनरल फॉर्म हो जाता है, मतलब दिस विल बी माई x इंटरसेप्ट फॉर्म. तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि y इंटरसेप्ट गिवन है कि x इंटरसेप्ट गिवन है. अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब है कि y इंटरसेप्ट है वो. इफ नथिंग एज सच इज मेंशनड कि y इंटरसेप्ट है या x इंटरसेप्ट है, देन बाय डिफॉल्ट इट इज y इंटरसेप्ट. इफ स्पेसिफिकली x इंटरसेप्ट मेंशनड है तो उसको ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से करना. ओके एक और आता है, बस इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया विल बी ब्रीफिंग वंस अगेन, सो नॉट टू वरी. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म में वी आर नॉट गिवन द स्लोप, बस हमें इंटरसेप्ट पता होता है. जैसे लेट्स से यहाँ पे जीरो कॉमा ए है, ए इज द इंटरसेप्ट हियर, एंड यहाँ पे बी कॉमा जीरो है. x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इज a, x इंटरसेप्ट इज b, अगर ऐसा कुछ गिवन है तो यहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हो. स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, तो माइनस a बाई बी हो रहा है. एवरीवन कैन सी a माइनस जीरो अपॉन माइनस जीरो माइनस बी, सो ऑन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर आप ऐसा करोगे तो वंस यू नो द स्लोप, और कोई भी पॉइंट ले लो, यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन. You'll be getting the equation, but let's take this point. Let's take this point. So y minus a is equals to minus a by b x minus zero upon expansion. आपको मिल जाएगा एक सेकंड. अपॉन एक्सपेंशन आपको मिल जाएगा बी वाई, सर फिर दोनों साइड ए से डिवाइड कर देंगे. हाँ फिर दोनों साइड ए से डिवाइड कर देंगे. माइनस ए बी इज इक्वल्स टू, आप ऊपर वाले में कर सकते थे डिवाइड बाय ए, प्लस एक्स ए इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, फिर ए से डिवाइड कर दो, ए से डिवाइड कर दो थ्रू आउट. तो यू विल बी गेटिंग, इसमें ए बी से करेंगे, आपने जो लिखा है उसमें ए बी से करना पड़ेगा, बी से डिवाइड कर लेंगे. तो हाँ इसमें ए बी से डिवाइड करेंगे, राइट, इसमें ए बी से डिवाइड कर लो थ्रू आउट. तो यू विल बी गेटिंग y by a, मैंने एक्चुअली नॉर्मल जो फॉर्म आती है उससे कोऑर्डिनेट्स उल्टे ले लिया, अपॉन x by b माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, या y by a plus x by b is equals to 1. ये जो फॉर्म होती है, this is my intercept form. Intercept form. ध्यान से देखना, यहाँ पे y intercept is a, तो आप क्या करते हो, y upon y intercept plus x upon x intercept equals to 1 कर देते हो, equals to 1 कर देते हो. तो अब जो भी गिवेन हो, a b किसी भी फॉर्म में गिवन हो, दिस शुड बी द आइडिया कि अगर इंटरसेप्ट फॉर्म है, इफ आई हैव बीन गिवन बोथ द इंटरसेप्ट्स ए एंड बी, मतलब या वाई इंटरसेप्ट एंड एक्स इंटरसेप्ट, तो वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू वन विल बी माई जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म. एंड एक फाइनल है नॉर्मल फॉर्म. तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ. किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन को आप दो तरह से जानते हो, एक तो ये और एक ये. अब इससे क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है या क्या क्या मीनिंग होता है, वो सारे कैसे निकाल सकते हैं, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन दैट वी हैव दैट हैज बीन गिवन टू अस. तो सबसे पहले होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, हमें एक पॉइंट पता होता है और एक स्लोप पता होता है. तो वंस यू नो द पॉइंट एंड द स्लोप, तो आप कैसे इक्वेशन को लिखते हो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, वेयर y1 x1 कॉमा y1 इज द पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग एंड m इज द स्लोप. x1 कॉमा y1 इज द पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग एंड m इज द स्लोप. ये इक्वेशन कैसे आई, लेट्स टेक अ जनरल पॉइंट p x कॉमा y एंड p1 थ्रू विच द लाइन वाज पासिंग x1 कॉमा y1, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से स्लोप निकाला
you will be getting m is equals to y minus y1 upon x minus x1. उसके बाद से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो वी गेटिंग द सेम इक्वेशन. तो जनरल फॉर्म क्या होती है, y minus y1 is equals to mx minus x1, where y x1 comma y1 is the point through which the line is passing and m is the slope. नेक्स्ट, अगर टू पॉइंट गिवन है मुझे, अगर मुझे दो पॉइंट गिवन है जहां से लाइन पास हो रही है, तो दो पॉइंट गिवन होने की वजह से द स्लोप आई कैन फाइंड आउट द स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1 and then by पिछला वाला फॉर्मूला, टेक एनी पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग. तो आप y2 भी यूज कर सकते हो, x2 भी यूज कर सकते हो, y1 और x1 भी यूज कर सकते हो. तो आप इस पर अगर आपको स्लोप पता चल गया है तो कोई भी, आपको दो पॉइंट्स नोन थे तो कोई भी दो पॉइंट यूज करके आप इक्वेशन की लाइन लिख लो. नेक्स्ट, अगर स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है तो इंटरसेप्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक y इंटरसेप्ट और एक x इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट एज इन y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, x एक्सिस, x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं. तो y इंटरसेप्ट को मैंने बता रखा था कि c बोलते हैं, और इफ यू नो दिस पॉइंट तो आप इस वाली इक्वेशन के थ्रू अगर डेरिवेशन करोगे कि 0 कॉमा c से पास हो रहा है, तो x1 की जगह 0, c, y1 की जगह c सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस फॉर्म, जिससे आप अवेयर हो y इज इक्वल टू mx + c फॉर्म. इसी को बोलते हैं स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म. तो आपको स्लोप गिवन हो और इंटरसेप्ट गिवन हो तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हो. अगर वही सेम चीज x इंटरसेप्ट गिवन होती तो जीरो डेरिवेशन प्रोसेस वही सेम होता, ठीक है, y माइनस जीरो इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस d लिखते, तो y माइनस जीरो विल बी y बेसिकली, तो ये फॉर्म आ जाती. तो ध्यान से करना कि कब y इंटरसेप्ट आ रहा है, कब x इंटरसेप्ट आ रहा है, थोड़ा फोकस्ड रहना. ऑल्सो y इंटरसेप्ट अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो दैट इज, मतलब बस इंटरसेप्ट वर्ड यूज किया तो दैट इज y इंटरसेप्ट. बाय डिफॉल्ट द इंटरसेप्ट इज y. नेक्स्ट इज कि अगर मुझे दोनों इंटरसेप्ट पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो यहाँ से अगर मुझे दोनों इंटरसेप्ट पता है तो लेट्स से y इंटरसेप्ट ये है, x इंटरसेप्ट ये है, तो जनरल इक्वेशन विल बी y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस x अपॉन x इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, moving ahead the normal form. देखो normal form में क्या होता है, दो तरह से कर सकते हो. normal क्या होता है, perpendicular to any equation, perpendicular to given line, let's say this is line L1, तो ये इसका normal हो गया. ठीक है, normal is the perpendicular drawn from any line. अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रिगो आएगी यहाँ पे कि वंस यू हैव द नॉर्मल, तो हम नॉर्मल वो यूजुअली वो वाला लेंगे, जैसे अगर मेरे पास लेट्स से कोई लाइन है तो आप एन नंबर ऑफ नॉर्मल्स बना सकते हो, उससे सब पैरेलल होंगे आपस में, बट एन नंबर ऑफ नॉर्मल्स बना सकते हो. अगर कोई ऐसी लाइन है तो इससे भी एन नंबर ऑफ नॉर्मल्स बना सकते हो. तो देयर विल बी अ नॉर्मल, there will be a normal which will be passing through origin, there will always be a normal which will be passing through origin. ho gaya prasanna? yes sir. dekho kya keh raha hu, let's say I have coordinate axis as this, ek line hai mere paas, theek hai, लेट्स ए लाइन एल है मेरे पास, एंड अब अगर मैं इससे एक नॉर्मल बनाऊंगा तो यू विल हैव दिस. ठीक है, लेट्स से दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, लेट्स से दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा. कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, इसको तो ओरिजिन ही बोलेंगे, लेट्स टेक दिस एज ए, सिंस नॉर्मल है तो लेट्स टेक दिस एन. ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ठीक है, अब देखो जो लाइन का स्लोप आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ नॉर्मल फॉर्म. अब अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है, तो देखो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए. सबसे पहले तो आई शुड नो द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन. सबसे पहले
अच्छा ये सब छोड़ो, देखो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल फॉर्म में, अगर नॉर्मल फॉर्म में निकालनी है तो नॉर्मल फॉर्म में निकालने का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये समझना इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं गिवन है या क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो देखेंगे। तो कैन एनी वन एक्सप्लेन कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है या नॉर्मल फॉर्म से आप क्या समझ पा रहे हो? देखो नॉर्मल फॉर्म से मतलब ये हो गया कि आई हैव दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है, एल की इक्वेशन निकालनी है, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी पॉइंट और स्लोप मुझे इसके बारे में डिटेल्स दी हुई है, इसके नॉर्मल के बारे में डिटेल्स दी हुई है। तो इसके नॉर्मल के बारे में अगर मुझे डिटेल्स दी हुई है तो हम क्या क्या चीज़ें डिराइव कर सकते हैं? तो फर्स्टली मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए अगर नॉर्मल के बारे में मुझे डिटेल्स दे रहा है तो मुझे ओरिजिन से ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज पी, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस पता होना चाहिए प्लस इसका एंगल नोन होना चाहिए, प्लस इसका एंगल नोन होना चाहिए। अगर मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा, ठीक है, तो अगर मुझे ये दोनों डेटा नोन है तो नॉर्मल फॉर्म मतलब नॉर्मल फॉर्म का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं, स्लोप निकाल लेंगे तो दूसरी का भी स्लोप निकल जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, राइट, तो दूसरे का स्लोप निकल जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, m1 into m2 is equals to minus 1 करके, और वंस यू हैव द स्लोप और डिस्टेंस मुझे पता है तो डिस्टेंस पता होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं? एनीवन सर इसमें हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं उस ए पॉइंट के, तो वो कैसे निकालेंगे? सर पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, वेरी गुड, इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ बेटा एक मिनट, देखो नॉर्मल फॉर्म होने की वजह से अगर मुझे डिस्टेंस नोन है फ्रॉम ओरिजिन लाइन का तो डिस्टेंस नोन है और दूसरा एंगल नोन है, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर मुझे ये तो डेटा गिवन है तो देखो एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होने की वजह से मुझे पता होने की वजह से प्लस डिस्टेंस पता होने की वजह से आई नो कि ये वाला डिस्टेंस कितना है या एक्स कोऑर्डिनेट कितना चला है, तो दिस विल बी पी कॉस थीटा, एंड सिमिलरली आई नो कि वाई यूनिट मतलब वाई में लाइन कितना आ गया है तो दैट विल बी पी साइन थीटा, तो जब कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए के थ्रू विच द लाइन इज पासिंग दैट विल बी पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा, ये मिल गया आपको, तो आपको एक पॉइंट मिल गया जहाँ से लाइन पास हो रही है। नाउ द सेकेंड थिंग यू रिक्वायर इज द स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में? माइनस वन अपॉन टैन थीटा, माइनस वन अपॉन टैन थीटा, या बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ से अगर देखोगे तो देखो इसका इस लाइन का स्लोप विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन, और लेट्स से दिस इज एम वन, नाउ यू नो जो लाइन एल है, लाइन एल का स्लोप लेट्स टेक एज एम टू, आपको पता है कि सिंस ये वाली लाइन ओ ए लाइन एंड दिस लाइन एल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो ओ ए लाइन का स्लोप मल्टीप्लाइड बाई लाइन पी का स्लोप, लाइन एल का स्लोप सॉरी इज इक्वल्स टू माइनस वन, परपेंडिकुलर है दोनों, तो यहाँ से यू कैन say that m1 into m2 is equals to minus 1, so m2 will be equal to minus 1 upon m1, minus 1 upon m1, to agar ye m1 hai mera to m2 kya ho jayega, this implies that m2 will be minus 1 upon sin theta upon cos theta, to cos theta upar aa jayega sin theta niche chala jayega, ya basically minus cot theta ho jayega, minus cot theta ho jayega। तो अगर मैं किसी भी नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन लिखूं तो मुझे पॉइंट्स पता चल गए एंड आई नो द स्लोप, अब लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, तो लाइन की इक्वेशन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू y माइनस दिस इज p साइन थीटा
is equals to minus cos theta upon sin theta into x minus p cos theta. And once you know this, तो फिर आप क्या करो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है? तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, तो यू विल बी गेटिंग y sin theta, ठीक है, प्लस x cos theta is equals to p times of sin square theta plus cos square theta. ये माइनस साइन भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो y sin theta plus x cos theta is equals to p. तो दिस इज माय नॉर्मल फॉर्म, दिस इज माय नॉर्मल फॉर्म. एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ. अगर मुझे कोई नॉर्मल फॉर्म गिवन है, इफ आई हैव बीन गिवन अ नॉर्मल फॉर्म, और मतलब नॉर्मल फॉर्म में मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे नॉर्मल की डिटेल्स देगा. नॉर्मल की डिटेल्स मतलब लाइन से परपेंडिकुलर जो चीज़ ड्रॉ होती है और ओरिजिन से पास हो रही होगी, तो उसकी डिटेल्स देगा. तो मुझे दो चीज़ें नोन होनी चाहिए, फर्स्टली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड सेकेंडली द एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इन दोनों डेटा का यूज करके आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट द पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग, ऑल्सो द स्लोप ऑफ द लाइन. यही दो रिक्वायरमेंट है मेरी हमेशा लाइन के लिए, इक्वेशन के लिए, एक स्लोप और दूसरा अ पॉइंट थ्रू विच इट इज पासिंग. सो अगर मुझे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नोन है लाइन का और मुझे एंगल पता है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ, द कोऑर्डिनेट्स थ्रू विच द लाइन इज पासिंग. एंड सिंस यू नो द स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल, तो आपको पता है कि जब दो लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं, नॉर्मल और ये लाइन परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे से, तो द स्लोप, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज माइनस वन. उस चीज का यूज करके प्लस कोऑर्डिनेट का यूज करके आई एम राइटिंग द जनरल इक्वेशन. तो स्लोप मुझे ये मिल गया, पॉइंट्स मुझे पता है जहाँ से लाइन पास हो रही है, आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन. और ये फाइनली समराइज करने के बाद, फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद, आई एम गेटिंग दिस लाइन. अब यहाँ पे देखते हैं जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी. तो इफ यू नो द टीटा, इफ यू नो द पॉजिटिव टीटा, तो जो साइन टीटा हो जाएगा वो वाई के साथ मल्टीप्लाई करो, जो कॉस टीटा हो जाएगा वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, और जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया है पी, ठीक, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पी, उसको डायरेक्टली राइट हैंड साइड पे लिख लो, यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर. दिस इज द इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म, दिस इज द इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म. सर इस पे सिर्फ क्वेश्चंस भी आएंगे कि डेरिवेशन भी आ सकते हैं? नहीं सर, क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि लाइक यू विल बी नोइंग द लाइन and later on you will have it will be asked it will be asked ki slope kya hoga yahan se ya y intercept kya hoga, is tarah ke questions honge. To move karte hain questions pe, move karte hain. So the first question is x intercept is 4. Bahut simple simple se question hai. X intercept is 4 and tan theta is given as, tan theta is given as 1/2. So what will be the equation of line? X intercept is 4, tan theta is 1/2. So what will be the equation of line? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. टैन थीटा का मतलब हो गया कि स्लोप गिवन है आपको, एम गिवन है. एक्स इंटरसेप्ट देने का मतलब है कि आपको पता है कि 4,0 से पास हो रहा है, तो द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस 0 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x माइनस 4 या 2y माइनस x इज इक्वल्स टू 4. कैसे भी लिख लो, माइनस 4 हाँ इज इक्वल्स टू माइनस 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जानबूझ के इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन आए स्ट्रेट लाइन से. एक दो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, जो थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बाकी क्वेश्चन आर वेरी इजी. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट एज -3 एंड 2
as x-intercept and y-intercept respectively. आपको x-intercept और y-intercept known है? आपको equation of 9 निकालनी है. हो गया सर, ये भी हो गया होगा. क्या बताया था मैंने? y upon y intercept plus x upon x intercept is equals to 1. इसको और सिंपलीफाई कर लेना फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा, 2x minus 3y is equals to 6 minus 6. तो प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो भी कर सकते हो. नेक्स्ट इज ओरिजिन से डिस्टेंस 4 यूनिट दिया हुआ है लाइन का, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 4 units for any line, for a given line. उसके बाद फिर angle is 15 degree. So find the equation of line. हो गया होगा ये भी, जिसको 15 डिग्री की वैल्यूज याद होंगी उसके लिए तो क्वेश्चन बस वेरी इजी. सर तो क्या साइन 15 की थी याद थी, कॉस 15 की निकाल लो. एक्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी, ये होता है फॉर्म. तो साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यूज देख लो, नोट कर लो. हाँ क्या होती है बेटा? P4 given है. सिंप्लीफाई कर लेना, मतलब सिंप्लीफाई क्या कर लेना, इसी को थोड़ा एडजस्ट कर लेना, 2√2 को उधर मल्टीप्लाई कर देना, यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर. नेक्स्ट इज, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 10.2 ओरली सॉल्व हो जाएगी, एक बार कर लेना, ओरली ही कर लेना, देख लेना. अब यही सेम इक्वेशन ऑफ लाइन्स हम देखते हैं कि अगर मान लो मुझे ax plus b plus c के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ax plus by plus c is equals to 0 के फॉर्म में किसी लाइन को एक्सप्रेस करना है, या इफ द लाइन इज गिवन इन दिस फॉर्म, तो उससे हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं. तो यहाँ से अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखना है तो इसी को अगर थोड़ा सा रीअरेंज करो, मतलब ये गिवन लाइन से हम डायरेक्टली कैसे कैसे चीजें देख सकते हैं, तो पहले मैं डिराइव करूंगा, आप डायरेक्टली देखना उसको, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप by को इधर रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, माइनस सी, या y को इधर रखो तो माइनस ए बाई बी
अपॉन एक्स माइनस सी बाई बी, ऐसा कुछ मिलेगा. तो यहाँ पे द स्लोप इज माइनस ए बाई बी माइनस ए बाई बी एंड इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई बी. सी इज द सी वाला जो स्मॉल इंटरसेप्ट होता है मेरा, दैट इज माइनस सी बाई बी. तो इस लाइन को देखते ही आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है, हम बार बार ये प्रोसेस करेंगे नहीं. Will not always be doing this process to find the equation. Although this takes hardly 10 seconds, but still, इसको देखते ही ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए. Next, अगर यहीं से मुझे intercept form निकालना होगा, तो देखो ध्यान से. Intercept form के लिए मैं क्या करूँगा? Divide by x y. Divide by x y. X y. नहीं, सी बाई ऐसे करेंगे एक्स बाय माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाय, मतलब अलग अलग इंटरसेप्ट देखो क्या क्या आ रहा है. वाई इंटरसेप्ट आपको मैंने यहाँ बता दिया था, तो वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू वन, इज इक्वल्स टू वन. तो यहाँ से बेसिकली आपको वाई इंटरसेप्ट तो पता चल रहा है, माइनस सी बाई बी हो जाएगा. You should be aware कि x-intercept क्या होगा, that will be minus c by a. x-intercept will be minus c by a. और अगर यही same चीज़ normal form में depict करना है मुझे, तो if I have a equation ax plus by plus c is equals to zero, तो यहाँ से normal form कैसे आएगा? ठीक है, तो normal form के लिए you know कि x cos theta plus y sin theta is equals to p, ये फॉर्म होती है. तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, यहाँ पे लिखता हूँ a x plus b y is equals to minus c, तो आप देख सकते हो कि क्या कहते हैं, दोनों इक्वेशन सिमिलर लिखी हुई हैं. तो बेसिकली a is cos theta, b is sin theta and c is minus p, c is equals to minus p. तो अगर मैं इनका रेशियो लिखता हूँ कि a upon cos theta is equals to b upon sin theta is equals to minus c by p, तो this will be same, this will be same. So if this is the situation, तो यहाँ से I can write cos theta as cos theta को हम क्या लिख सकते हैं, ap by c minus sin के साथ. Similarly you can write sin theta as bp by c minus sin के साथ, and squaring and adding both things. मतलब basically हम निकालना क्या क्या चाह रहे हैं, now ये main motive होना चाहिए. करने को तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो इसके साथ. The purpose is to compare this line with the normal form and एक ऐसा सिंप्लीफाइड रिजल्ट चाहिए मुझे जहाँ पे मुझे ये cos theta, sin theta और p रिप्लेस हो करके a, b और c के फॉर्म में हो जाए. तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट फॉर्म. तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन में a, b और c का यूज करूँगा टू रिप्लेस दीज थ्री वेरिएबल्स p, sin theta एंड cos theta. तो वंस यू गेट दिस sin theta एंड cos theta, तो आप क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर लो. तो आपको मिल जाएगा, मैं रेड कलर से ये लिख रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड तो वन हो जाएगा, राइट हैंड साइड विल बी ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. एंड विच इज इक्वल्स टू वन, विच इज इक्वल्स टू वन. तो यहां से अगर आप पी स्क्वायर निकालना चाहो, पी स्क्वायर निकालना चाहो, तो दैट विल बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. या बेसिकली जो पी आ जाएगा आपका, जो पी आ जाएगा दैट विल बी प्लस माइनस रूट ऑफ सी स्क्वायर अपॉन, एक मिनट देना बेटा मुझे.
अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लेट आते हो आप लोग पहले लेक्चर में? P is equals to C divided by root of A square plus B square plus minus sin के साथ, ठीक है? तो you'll be getting the value of P as this, ठीक है? तो P को भी मैंने replace कर लिया A, B और C में, cos theta और sin theta को A, B और C में replace कर दिया था मैंने, यहाँ पे P की value substitute करते हैं. Let's substitute the value of P here. तो अगर P substitute करोगे तो क्या हो जाएगा? C से C cancel out हो जाएगा and you will be getting cos theta क्या था मेरे पास? Minus. मैं सब लिख देता हूँ. Minus AP upon C. Sin theta मेरे पास था minus BP upon C and P मेरे पास था plus minus C upon root of A square plus B square. So let's substitute the value here. ठीक है, तो cos theta क्या हो जाएगा? Plus minus C से C cancel out हो जाएगा. A upon root of A square plus B square. Similarly sin theta will be plus minus B upon root of A square plus B square. और P तो मेरे पास ये नो नहीं है. A B और C के form में. तो P is this. तो इसी को use करेंगे. And let's substitute it in the basic form. Let's not substitute. मतलब आपको सारी चीजें मिल गई. तो आपको cos theta की value पता चल गई, sin theta की value पता चल गई, and p की value पता चल गई. Like distance from origin भी पता चल गया. तो ध्यान से देखो. अगर आपको कोई भी equation इस form में दी है, ठीक है, या कोई भी equation इस form में दी है, और आपको deduce करना है कि origin से distance कितना है, या इन दोनों इक्वेशंस को अगर यू हैव टू कंपेयर, तो यू गाइस नाउ नो कि कॉस थीटा की वैल्यू होगी ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू होगी बी अपॉन रूट ऑफ प्लस माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड पी की वैल्यू होगी प्लस माइनस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो अगर आपको ये इक्वेशन दिया उससे आपको ये इक्वेशन लिखना है तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया. आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे? लेट्स से यू हैव फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन से इज कि लेट्स से यू हैव 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5. 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 कर रहा हूँ. तो इस इक्वेशन से लेट्स से यू हैव टू राइट द इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म. तो नॉर्मल फॉर्म के लिए आपके क्या रिक्वायर्ड होता है? कॉस थीटा रिक्वायर्ड होता है. तो कॉस थीटा विल बी ए. अब a क्या होता है ध्यान से देखना, ए एक्स प्लस बी वाई होता है. x के साथ वाले को a बोलते हैं, y के साथ वाले को b. और cos theta में क्या होता है? a, मतलब cos theta usually x का कंपोनेंट होता है. तो x के साथ वाला लो 2. सर एटलीस्ट थोड़ी अच्छी वैल्यूज देते थे. कोई नहीं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विल बी रूट 13 हो गया. सिमिलरली साइन थीटा लोगे तो प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 13 हो गया. एंड सिमिलरली पी लोगे, पी विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो दैट विल बी प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 13. ठीक है, तो नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा एंड पी. तो आप नॉर्मल फॉर्म आपको पता है क्या होती है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी. सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज एंड यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट इन द नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, या आपको मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ से डिड्यूस हो सकती हैं कि लाइक एक्स कंपोनेंट कितना है, लाइक एक्स में एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट कितना है, वाई इंटरसेप्ट कितना है, स्लोप भी डिड्यूस कर सकते हो. आपको पता चल जाएगा टैन थीटा कितना आ जाएगा, एंड बहुत सारी चीजें आप यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हो, डिपेक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो. ओके, एक क्वेश्चन करते हैं. How did I equate the equation? Siddharth beta, कौन सा equation? ये वाला. Unmute करो Siddharth एक बार. Okay, बहुत पुराना question है शायद. Okay, ठीक है, एक question दे रहा हूँ. Let's say you have a line 3x minus 4y plus 10 is equals to 0. इसका slope बताओ.
अनम्यूट करके तुरंत बताओ। थ्री बाय फोर आ रहा है, सबको देख रहे हैं? क्या हो गया? अरे नॉर्मली नहीं समझ में आ रहा तो वाई को राइट हैंड साइड ले जाओ एंड फिर डिवाइड कर दो, तो भी एक्स के साथ थ्री बाय फोर ही आएगा। yes. ठीक है, नेक्स्ट इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कितना होगा? 10 by 5 देखो ध्यान से, फिर से यहाँ से डायरेक्टली देखना आना चाहिए, माइनस सी बाई ए करना है आपको। ठीक है, माइनस सी बाई ए करना है और माइनस सी बाई बी करना है वाई इंटरसेप्ट के लिए। तो सी आपका क्या है, सबसे पहले तो सी इज 10, तो माइनस सी विल बी माइनस 10 डिवाइड बाई ए 3, तो माइनस 10 बाई 3 इज माई एक्स इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? माइनस 10 डिवाइड बाई माइनस 4, तो 10 बाई 4, बस इतना सा काम है। एक मिनट देना मुझे। के बाद अच्छा एक दो लाइंस हैं, एक क्वेश्चन करो और। आई थिंक बासर फ्रॉम केमिस्ट्री इज ऑलरेडी हियर, तो अगर मेरे पास ये लाइन है और दूसरी लाइन में है रूट थ्री वाई माइनस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सो एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, find the angle between these two lines. अच्छा दूसरा एक और चीज, इंटीग्रेटेड बैच में आया प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन टुडे, तो मैं पुराने ग्रुप पे ही शायद आईडी पासवर्ड शेयर करूंगा, आई डोंट नो नए ग्रुप में इवनिंग बैच का। अच्छा आप लोग सब लोग मॉर्निंग में ही शिफ्ट हो गए इंटीग्रेटेड वाले, राइट? सर आज टेस्ट है ना? आज टेस्ट है? अच्छा हाँ आज टेस्ट भी तो है, टाइमिंग बता दिया क्या? 4 to 5। हाँ सर 4 to 5। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन तो उसके बाद है ना? सर तभी है। तभी है, कितने बजे से? 5:30 to 7 है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन? यस सर। हाँ 4 to 5 के टेस्ट के बाद है, इंटीग्रेटेड बैच का है ओम टीडब्ल्यूटी। मतलब इंटीग्रेटेड में हाँ, नहीं नहीं मतलब वो हिमांशु सर वाले पुराने बैच वाला टेस्ट है, शायद आपके लिए भी ओपन होगा अगर आप देना चाहो तो। एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस कितना आया? 15 डिग्री है। तो यहाँ से डायरेक्टली स्लोप कैसे लिखेंगे? व्हाट विल बी द स्लोप डायरेक्टली? सर पहले वाले का √3/1 मतलब वो माइनस, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ये फॉर्म यूज करो। हाँ सर वही माइनस टाइम माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी यूज करो। ठीक है, तो अगर यहाँ से माइनस ए बाई बी यूज करोगे तो याद रहे एक्स के साथ वाला ए होता है, तो माइनस √3 वाई के साथ 1, तो यहाँ से स्लोप माइनस √3 आ गया, और यहाँ से यूज करोगे तो माइनस 1 डिवाइड बाय √3। सर माइनस टाइम उसमें ऑलरेडी माइनस है, वो माइनस होता है, वो √3 हो जाएगा सर। हाँ माइनस सॉरी माइनस ए बी होता है, तो दिस विल बी √3 एंड दिस विल बी 1/√3। ये दो स्लोप स्लोप्स आ गए एंड फिर फाइनली आप मल्टीप्लाई कर लो, मतलब tan theta is equal to m1 plus m2 upon 1 minus m1 m2, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 use कर लेना, तो you will get this slope. Okay next, एक question सोचने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है?
तो अच्छा बस मुझे एक चीज बताओ कि अगर किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना है तो हाउ विल वी फाइंड आउट. लेट्स से आई हैव अ पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स h, k एंड आई नो दिस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. सो हाउ विल वी फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू अ पॉइंट एंड अ लाइन. सर सबसे पहले तो स्लोप निकाल लेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल लेंगे. स्लोप निकाल लेंगे और परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल लेंगे. ओके ये किया था, एक सेकंड सर याद कर, पिछले साल किया था. बाकी लोग भी सोचो, फॉर्मूला तो मैं दे दूंगा बाद में, फॉर्मूला निकालना विल बी वेरी इजी. और मतलब फॉर्मूला मैं दे दूंगा नेक्स्ट सेशन में. एक और चीज सोचना कि अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा तो लेट्स से मान लो ये बाय चांस निकल गया, मतलब निकाल तो लो गई, एवरीवन विल बी एबल टू फाइंड दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पहले तो इसका जनरल फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करना. दिस विल बी द होमवर्क फॉर टुडे. जनरल फॉर्म इसका डिराइव फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करना कि इफ यू हैव अ point P and you know the equation of this line, equation of this line is लेकिन shortest distance का पता नहीं sir, line पे point ले सकते for shortest distance का ही formula पता ही है ना, shortest distance का ही वो निकालना है formula. हाँ sir, वो line पे point ले सकते कोई भी, line पे एक point ले सकते हो कोई भी. हाँ sir, उसके coordinates हमको पता हूँ. ठीक है चलो लाइन पे मान लो मैंने यहाँ पे कोड ले लिया, ठीक है x कॉमा वाई मुझे नोन था. हाँ, तो अब फॉर्मूला से p से इसका डिस्टेंस निकाल देंगे. ठीक है निकल गया, ये डिस्टेंस निकल गया. फिर नॉर्मल वाला सेम नॉर्मल वाला तो क्योंकि शॉर्टेस्ट को परपेंडिकुलर ही है. सर एक काम करना ना, एक काम करना, जो नॉर्मल वाला फॉर्म मैंने बताया अब मुझे याद आ गया पिछले साल जो किया था. एक काम करना, मैं एक हैंड दे रहा हूँ, मुझे दूसरा क्वेश्चन एक्चुअली यहीं से डिराइव करना है, इसलिए एक सेकेंड होल्ड करो. यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने ओरिजिन से डिस्टेंस लिया था ना नॉर्मल फॉर्म में, इंस्टेड ऑफ ओरिजिन टेक दैट फ्रॉम पॉइंट पी. ये हिंट है फॉर दिस क्वेश्चन. इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट ओरिजिन, नॉर्मल फॉर्म वाले डेरिवेशन याद रखना. तो नॉर्मल फॉर्म वाले डेरिवेशन में सिंस वी हैव टेकन ओरिजिन, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट ओरिजिन वो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स का यूज करने की कोशिश करना. नेक्स्ट सेशन में मैं डिराइव करूंगा, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा. ठीक है, और इजी मेथड से अगर हो पाएगा तो वही देख लेंगे. बताना, याद आ गया मुझे. एक रुके रहो पार्थ, तुम बता दोगे तो फिर क्वेश्चन का सेंस खत्म, एसेंस खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज कि लेट्स से आई हैव अ पॉइंट, ठीक है ये भी सब कोई सोचना. लेट्स से इफ आई हैव अ पॉइंट x, y एंड आई नो द लाइन, और मुझे इसका मिरर इमेज निकालना है. I have to find the mirror image where of this point P in line L1. In line L1, मतलब line L1 will be acting as a mirror. तो इसका कुछ यहाँ पे mirror image आएगी P dash, let's say x dash comma y dash. So if distance formula निकल जाएगा, if you will be getting the distance आपका निकल गया कुछ कुछ है, let's say. तो उसके बाद से how will we find the coordinates of this point P dash? Where line L1 will be acting as a mirror for this point. So you have to find the coordinates of P dash. So ये दो चीजों का derivation आप सोचना, करना, rough में attempt करना, आधे घंटे, 20 मिनट जितना भी time आपको देना होगा, and ये share your attempts by tomorrow. NCERT का use मत करना, book का use मत करना, normal जितनी चीजें पढ़ाई हैं, उसी से use करके कोशिश करना करने की. Books को देख लोगे तो फिर कोई significance नहीं रह जाएगा. So try and derive the general formula for distance. Once you find out that, फिर सोचना इसको कि if line will be acting as a mirror for a particular point, तो उसका mirror image वाला जो coordinate होगा ना, how will we find that coordinate? P dash कैसे निकालेंगे? ठीक है? Right part. वैसे हो जाएगा. चलो आई एम
एंडिंग द सेशन, एंडिंग से मेरा मतलब है कि आई एम चेंजिंग द होस्ट, यू गाइस कंटिन्यू। सर आप नोट्स भेज दीजिए। हाँ नोट्स में शेयर करूँगा। ओके थैंक यू एवरीवन।